मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। जैसे कि आप सभी जानते हो दोस्तों, हम डेली बेसिस पर एसएससी में आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डेली डिस्कस करते हैं रीजनिंग के, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे वो आपका एग्जाम दोस्तों एसएससी के किसी भी ग्रुप का हो, चाहे आपका रेलवेज का हो, या आपका कोई भी स्टेट एग्जाम हो दोस्तों, ये डेली आपका सेशन होता है मंडे टू मंडे सुबह 6:30 बजे। ठीक है, चलिए बिना देरी करें आज का सेशन शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने यह, जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। ठीक है, हर क्वेश्चन आपको 30 से 40 सेकंड के अंदर आंसर करना है। ठीक है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। चलिए दोस्तों, ट्रायंगल काउंट करिए, इसमें कितने हो रहे हैं, जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से आंसर करें स्पीड में। चलिए देखते हैं दोस्तों, जब भी दोस्तों इस तरीके का आपका फिगर आए, ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं 1 2 3 4 ट्रायंगल आपके इधर बन रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सिमेट्रिक फिगर है दोस्तों। जब भी इस तरीके का फिगर आए तो दोस्तों इसमें एक ट्रिक लगा दें। ठीक है, आपके कितने ट्रायंगल बन रहे थे, 4। फोन नंबर आप लोग लिख लें, 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, फिर ये एक इसके आगे लिख दें दोस्तों, और क्रॉस में इनको ऐड करते चलें। जैसे 2 1 दोस्तों कितना हो जाएगा, 3। इसी प्रकार से 3 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6। इसी प्रकार से 6 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10। ठीक है दोस्तों, फिर सारे नंबर को ऐड कर दे दोस्तों, 10 + 6 + 3 + 1 दोस्तों कितना हो जाएंगे आपके, 20। तो दोस्तों 20 ट्राइंगल तो ये बन गए हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पे आप लोग क्या करें, नीचे से क्या करें दोस्तों, एक नंबर ड्रॉप करें और एक नंबर पिक करें, एक नंबर ड्रॉप करें और एक नंबर पिक करें। ठीक है दोस्तों, जो नंबर आपने पिक किए हैं उन्हें ले लें। तो दोस्तों कितने लिया अपना, 6 1। तो दोस्तों कितने हो जाएंगे, 7 दोस्तों इसमें ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 27। तो दोस्तों इस फिगर में कितने आपके ट्राइंगल बन रहे हैं, टोटल 27। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की ट्रिक से जानने के लिए दोस्तों आप लोग मेरा सेशन ज़रूर देखा करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, आंसर करिए जल्दी से। और दोस्तों सुबह सुबह ये सेशन का मकसद सीधा यही है कि आप लोग इसे ज़रूर देखा करें। इसमें दोस्तों मैं बिल्कुल मीडियम लेवल के क्वेश्चन रखता हूँ, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा इजी, क्योंकि दोस्तों अगर आप सुबह सुबह ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है दोस्तों, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको पेन पेपर की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो आप लोग सुबह सुबह देखेंगे तो दोस्तों आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा, जिससे आप लोग दिन भर अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकेंगे। ठीक है, तो ये सेशन आप लोग ज़रूर देखा करें दोस्तों, छोटा सा होता है, 7 से 8 मिनट का दोस्तों, जो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। चलिए आंसर करिए दोस्तों, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों जैसे कि आप इसमें सीधा सीधा देख पा रहे हैं दोस्तों, 8 + 3 को ऐड करने पे दोस्तों क्या आ रहा है, 11। इसी प्रकार से दोस्तों 11 और 3 को ऐड करने पे क्या आ रहा है, 14। और 11 और 14 को ऐड करने पे क्या आ रहा है, 25। तो दोस्तों 14 और 25 को ऐड करने पे क्या आएगा, 39। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। स्पीड बनाए रखिए आप लोग और आंसर करिए जल्दी से। बताइए, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर होगा इसका, चलिए देखते हैं दोस्तों। जैसे कि उन्होंने कहा है, नीचे 3 आकृति दी गई हैं जो स्नातकोत्तरों और अधिकारियों को निरूपित करती हैं, यानी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और ऑफिसर्स को दोस्तों ये बता रही हैं, शो कर रही हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जितने भी अधिकार हैं, यानी जितने की ऑफिसर्स हैं आपके, वो स्नातक भी हों, ग्रेजुएट भी हों और स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट भी हों। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये सारा आपका दोस्तों क्या है, ऑफिसर हैं। और दोस्तों जो आप जी पोर्शन देख रहे हैं, ये दोस्तों क्या है, ग्रेजुएट भी है और पोस्ट ग्रेजुएट भी है। तो यही आपसे पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से आंसर करिए आप लोग, श्रृंखला को पूरा करें दोस्तों। बताइए, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, आंसर करेंगे जल्दी से, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों, देखते ही समझ में आ जाना चाहिए आपको कि क्या पैटर्न बन रहा है इसमें। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 107, ठीक है, 107 और 97 में दोस्तों कितने का डिफरेंस बन रहा है आपका, 10 का। ठीक है, 97 और 82 के बीच में दोस्तों कितने का डिफरेंस बन रहा है आपका, जल्दी से बताइए, 15 का। ठीक है, यानी 15 आपका यहाँ से माइनस हो गया। ठीक है दोस्तों, 82 और 62 के बीच में कितने का डिफरेंस बन रहा है, -20 का। तो दोस्तों 62 के बाद कितने का डिफरेंस बनेगा, -25 का, क्योंकि आप देख पा रहे हैं दोस्तों
टेन फिफ्टीन ट्वेंटी, फिर उसके बाद क्या आएगा दोस्तों 25, तो 62 - 25 दोस्तों कितना हो जाएगा, जल्दी से आंसर करेंगे तो दोस्तों 12 में से 5 जाएगा बचेगा 7, और 5 में से 2 जाएगा आपको बचेगा 3, 37, 37 ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 का जल्दी से आंसर करें दोस्तों। और जिन्होंने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है जो भी बच्चे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऐसा आता है आपका 19 पे, आर आता है दोस्तों आपका 18 पे, तो क्या हो रहा है दोस्तों -1। इसी प्रकार से दोस्तों ओ 15 N 14, क्या हो रहा है दोस्तों -1। ठीक है इसी प्रकार से दोस्तों बी 2 पे आता है, ए आपका दोस्तों आप देख पा रहे हैं इसमें क्या चल रही है, सिर्फ -1 -1 -1 की सीरीज चल रही है। ठीक है दोस्तों तो यही काम हम इसमें करेंगे दोस्तों, आप सभी जानते होंगे। एल आता है दोस्तों 12 पे, 12 पे से 1 जाएंगे बचेगा 11, 11 पे दोस्तों क्या आता है के। इसी प्रकार से दोस्तों ओ आता है 15 पे, 15 में से 1 माइनस करेंगे बचेगा 14, 14 पे आता है एन। ठीक है दोस्तों तो आप देख पा रहे हैं सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जो के एन से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पूरा करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों तो जब इस तरीके का आप लोग क्वेश्चन करें तो आप लोग ऑप्शन पे भी थोड़ा ध्यान बना के रखा करें, ताकि दोस्तों आप लोगों का एग्जाम में टाइम बच सके। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 का बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, आंसर करिए जल्दी से, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग, बताइए आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों, इतना टाइम काफ़ी था इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों। अगर आप 4 और 9 को ऐड कर देंगे दोस्तों आपका क्या आएगा 13, और दोस्तों 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। इसी प्रकार से दोस्तों 66 को ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 12, और 12 का दोस्तों स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक है दोस्तों इसी की तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 का इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों उन्होंने क्या कहा है, लड़कियों की एक पंक्ति में वीणा आरंभ से 12वीं और अंत से 19वीं है। ठीक है लड़कियों की एक अन्य पंक्ति यानी दूसरी लाइन में दोस्तों जो सुनीता है आरंभ से 14वीं और अंत से 20वीं है, तो दोनों पंक्तियों में कुल मिलाकर कितनी लड़कियां होंगी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कोई भी पंक्ति या लाइन उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या जितने भी लोग हैं उसका कुल संख्या निकालना हो दोस्तों, तो क्या करते हैं टोटल जो आपका नंबर होगा दोस्तों क्या होता है, लेफ्ट से आपके बाएँ से जो भी नंबर हो उनका, राइट से जो भी नंबर, दोनों को ऐड करके दोस्तों क्या कर दें एक सबट्रैक्ट कर दें। तो दोस्तों यही हम इसमें करेंगे दोस्तों, जो बीड़ा है ठीक है लेफ्ट साइड से कितनी है आपका 12वां स्थान था दोस्तों, इनका राइट साइड से दाईं ओर से कितना था 19वां स्थान था, दोस्तों क्या कर देंगे इन दोनों को ऐड करके -1, तो दोस्तों ऐड करिए 12 और 19 को क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 31 आंसर हो जाएगा दोस्तों, 31 में 1 जाएगा यानी 30। पहली पंक्ति में कुल कितनी लड़कियाँ थी दोस्तों 30, इसी प्रकार से दोस्तों दूसरी पंक्तियों में लड़की की संख्या निकाल लेंगे ठीक है, 20 और 14 दोस्तों कितना होता है आपका 34, 34 में से 1 जाएगा 33, तो दोस्तों 30 + 33 यानी पहली पंक्ति में 33 लड़कियां थी, दूसरी में पंक्ति में आपकी 33 लड़कियां थी, तो आपकी कितनी आंसर हो जाएगा दोस्तों 63। ठीक है तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। जिस प्रकार हांगकॉन्ग चीन से संबंधित, उसी प्रकार वेटिकन दोस्तों किससे संबंधित होगा, आप सभी जानते हैं दोस्तों हांगकॉन्ग चीन के अंदर है ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों वेटिकन किस देश में है जल्दी से बताएंगे आप लोग, तो दोस्तों वेटिकन किस देश में है, रोम में ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा, क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करा करें दोस्तों सेशन को, और लाइक भी करा करें। चलिए आंसर करिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा बताइए, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है जल्दी से आंसर करिए। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं इसमें सीधा सीधा क्या हो रहा है दोस्तों, जो आपका 5 है 5 × 2 + 2, तो 5 × 2 = 10 + 12 हो गया दोस्तों, इसी प्रकार से 12 × 2 + 2, तो दोस्तों 12 × 2 = कितना हो जाएगा 24, 24 + 2 = 26 आ गया दोस्तों, इसी प्रकार से 26 × 2 + 2, तो दोस्तों 26 × 2 कितना हो जाएगा आपका
52 और 52 प्लस 2 कितना हो जाएगा 54। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा 54, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों आप लोग इसकी। दोस्तों आपको मिरर इमेज बताना है इस फिगर की। चलिए बताइए दोस्तों क्या होगा इसकी मिरर इमेज बताइए क्वेश्चन नंबर 10 की। चलिए देखते हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों इसमें किस तरीके की मिरर इमेज बनेगी, कुछ इस तरीके की बनेगी। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके की इसमें इमेज बनेगी। सॉरी ये दोस्तों इधर नहीं, इधर पे होगा आपका। ठीक है दोस्तों, कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको जल्दी से बताएंगे, ऑप्शन ए में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। अगर आपको दोस्तों सेशन अच्छा लगा है, क्वेश्चन पसंद आया, तो दोस्तों आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं दोस्तों, तो चैनल को आप लोग आज ही सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ग्लोब। ठीक है दोस्तों, चलिए कल मिलते हैं दोस्तों सेम टाइम सेम प्लेस पर नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।